हेलो एवरीवन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट 1996 का क्वेश्चन है, वन मार्क का क्वेश्चन है. द वीआई कैरेक्टरिस्टिक एज शोन फॉर द टर्मिनल्स पेयर ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क ऑफ फिगर वन, जो भी आपको फिगर गिवन है, ठीक है, इज शोन इन द फिगर टू. इफ एन इंडक्टेंस ऑफ वैल्यू 6 मिली हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल पेयर ए कॉमा बी, द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सिस्टम विल बी. तो ये बेसिकली एक सिस्टम क्या बोल रहा है, मैं बता देता हूँ फटाफट से, देखिए. ठीक है, एक नेटवर्क गिवन है आपको, ठीक है. इसके अंदर क्या बोला है इसने, स्पेशली इस नेटवर्क के अंदर क्या लगा है, लीनियर रजिस्टर्स हैं. रजिस्टर दो तरीके होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है ना. तो लीनियर रजिस्टर्स हैं प्लस साथ में इनडिपेंडेंट सोर्स लगे हैं, ठीक है. इस इनडिपेंडेंट सोर्स का क्या सीन है अभी बताते हैं, अभी देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है. और यहाँ पे आपके पास टर्मिनल दे रखा है ये ए और बी. इस टर्मिनल के अक्रॉस एक कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है आपको, आई वी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना. ढंग से ना कभी भी एग्जाम में ना ये जरूर नोट करना कि ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, आई वी कैरेक्टरिस्टिक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक है. आदत क्या होती है सबको, वी आई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने की आदत होती है, बोलते हैं इसको वी आई अपन जल्दी जल्दी में, तो ये लो वी आई कैरेक्टरिस्टिक. और डायोड की कैरेक्टरिस्टिक जल्दी जल्दी में सब ये बनाए जाते हैं, ठीक है. बहुत छोटी सी मिस्टेक है, आपको नहीं होती होगी, लेकिन जिन बच्चों को होती है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है. ध्यान रखना डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है, क्लियर है. मेरे से स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, मैं स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर रहा था, मेरे से मिस्टेक हुई थी, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा झंड हो गई थी मेरी क्लास में. तो अभी तो तुम ये देखो, क्लियर है. अब ये दो पॉइंट गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना. ये ओरिजिन गिवन है 0.0, और इन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 4 मिली एम्पियर कॉमा 0 एंड 8 वोल्ट कॉमा 0 एम्पियर, ठीक है. तो इन दोनों पॉइंट से अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, कुछ भी और बाकी तुमको कुछ और कचरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इस वैरायटी क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, इन क्वेश्चनों को करना सीखो. स्टार इसलिए मैं कर रहा हूँ, टफ नहीं है क्वेश्चन, इस अगर इस वैरायटी को सीख गए तो वो सब आ जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहले तो इसमें लीनियर रजिस्टर्स देखो, लीनियर रजिस्टर्स से क्या क्या समझ में आ रहा है, पूरा नेटवर्क क्या है, रजिस्टर नेटवर्क है, और उसमें भी कौन से रजिस्टर लगे, लीनियर रजिस्टर लगे, ठीक है. तो अब लीनियर रजिस्टर से हुआ क्या है, ये सिस्टम क्या बन गया तुम्हारा, लीनियर बन गया, ठीक है. और साथ में बोल क्या रहा है ये, कि साथ में इसमें क्या लगे हुए हैं, इनडिपेंडेंट सोर्सेज लगे हुए हैं, ठीक है. इनडिपेंडेंट सोर्सेज है, ठीक है. अब डिपेंडेंट सोर्स होते तो क्या होता वो देखो जरा. मान लो कोई नेटवर्क है जिसमें कोई डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, ये तुम्हारा लोड है और एक तुम्हारा इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है. एसी हो सकता है, डीसी हो सकता है, इस केस में तो डीसी है, ठीक है. तो यहाँ पे मान लो ये तुमको किसी इस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, आईएल पे डिपेंड कर रहा है, येलो आईएल, और कैसे डिपेंड कर रहा है, के टाइम्स आईएल, ठीक है. अब जब तुम इस लोड के अक्रॉस थेवेनिन रजिस्टर निकालने जाओगे, इस लोड के अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने जाओगे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको तो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, तो वोल्टेज सोर्स है तो उसको तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसके जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया. लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है, एक डिपेंडेंट सोर्स है, तुम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो. तुमको कैसे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, इसको ओपन करोगे और यहाँ पे एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगाओगे, उसके थ्रू तुम देखोगे कि वोल्टेज कितना रहा है, करंट कितना रहा है, फिर बाद में तुम इस पर कमेंट करोगे, ठीक है. तो यहाँ पे अगर इसने इंडिपेंडेंट बोल दिया है, इसने इंडिपेंडेंट बोल दिया है, तो ये पूरा सर्किट कैसे रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा, जब भी तुम थेवेनिन निकालना चाहोगे, इसमें सर्किट में सिर्फ पूरे रजिस्टर ही रजिस्टर होंगे और बाकी सारे सोर्सेस शॉर्ट हो चुके होंगे, जो भी ये रजिस्टर जो भी ये सर्किट अंदर से है मेरे को नहीं पता, ठीक है ना. क्या है ये, एक पूरा एक बॉक्स के अंदर बंद है, तो बॉक्स के अंदर का सीन मुझे नहीं पता है, ठीक है, और जरूरत भी नहीं है, अपन को इन दो टर्मिनल से काम है, ठीक है. तो इससे हुआ क्या, इस पूरे सिस्टम को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, ये लो भाई VTH एंड RTH, क्लियर है. ये कौन सा टर्मिनल हो गया, ए और बी, ठीक है. तो ये पूरे कब रिप्लेस होगा, थेवेनिन थ्योरम किस पे लगती है, लीनियर सर्किट्स पे लगती है, तो ये लीनियर है इसलिए मैं पूरा लगा पा रहा हूँ, ठीक है. इस स्टेटमेंट का इसमें इतना काम नहीं था, इंडिपेंडेंट सोर्स का, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्सेस भी होते हैं तब भी ये सर्किट बन जाता है, लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेस में क्या जाता है, कभी कभी डिपेंडेंट सोर्सेज लीनियर नहीं होते, क्लियर है. इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर ऑलवेज लीनियर, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए. इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमेशा क्या होंगे, लीनियर होंगे, लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेज लीनियर भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा वो किस रिलेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, क्लियर है. तो अभी तो तुम ये देखो बस, ठीक है. तो इसमें इस पूरे सर्किट को मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया. अब ये दो पॉइंट से काम है, लेट्स इस पॉइंट को मैं कहता हूँ पी पॉइंट और इस पॉइंट को कहता हूँ मैं क्यू पॉइंट, ठीक है. मान लो सबसे पहले अपन क्यू पॉइंट पर ऑपरेट कराते हैं, तो क्यू पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसमें वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट एंड करंट कितनी है 0 एम्पियर. तो ये कब, ये सिनेरियो कब होता है, जब यहाँ पे क्या पड़ा हो, ये टर्मिनल ओपन सर्किट पड़ा हो, क्लियर है, या यहाँ पे एक बैटरी लगी हो. दो तरीके से हो सकता है ना, दो तरीके समझ सकते हो क्वेश्चन को. जीरो एम्पियर कब हो सकता है, जब या तो इसमें
ओपन सर्किट पड़ा हो या यहाँ पे एक बैटरी लगी जिसकी पोलैरिटी कैसी है जैसी मैंने दिखाई है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है ये इस बैटरी के बराबर है, तो ये इसमें थोड़ा सा भी करंट फ्लो नहीं होने देगी। क्लियर है? तो दोनों तरह के समझ सकते हो तुम, है ना। पहले इससे समझा देता हूँ मैं, फिर मिटा इसको मैं ओपन करके समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो एम्पीयर की करंट है और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, प्लस माइनस 8 वोल्ट। तो 100% ये जो तुमने बैटरी लगाई है कितने वोल्ट की लगाई है, 8 वोल्ट की बैटरी लगाई है। क्लियर है? और फिर तुमको यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रही है, करंट कब, अब यहाँ पे तो आराम से केसीएल निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे करंट कितनी, जीरो एम्पीयर फ्लो हो रही है, तो VTH माइनस 0 इंटू RTH माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। बहुत आसान। तो यहाँ से VTH की वैल्यू कितनी आ गई, 8 वोल्ट। माई बैड। क्लियर है? इसको सोचने का दूसरा तरीका भी था, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। इसको सोचने का दूसरा तरीका भी था, ये सर्किट क्या पढ़ा है, ओपन सर्किट पढ़ा है, ठीक है। ज़्यादातर टीचर इसको ऐसे समझाते हैं, ये सर्किट क्या पढ़ा, ओपन सर्किट पढ़ा है। क्लियर है? ओपन सर्किट पड़ा है तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ओपन सर्किट पे जो टर्मिनल्स पे वोल्टेज मिलता है वही तो थेवेनिन वोल्टेज होता है, उसी को तो थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं अपने थेवेनिन सर्किट के अंदर। यही डेफिनेशन होती है थेवेनिन, थेवेनिन वोल्टेज निकालने की। तो सीधे सीधे मेरे को यहाँ से डायरेक्ट क्या मिल रहा है, VTH इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। ठीक है, तो एक चीज तो आ गई। अब दूसरी चीज क्या कह रही है, दूसरी दूसरा पॉइंट को यूज करते हैं, तो यूजिंग पॉइंट टू, तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ कहीं पे, ठीक है। तो VTH तो आ गया तुम्हारे पास कितना, 8 वोल्ट। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट के अंदर हुआ क्या है, ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, जीरो है। तो जीरो वोल्टेज को तुम कैसे भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन जीरो वोल्टेज को रिप्लेस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, शॉर्ट कर दो, नहीं तो तुम सीधे सीधे बोल सकते हैं वी ए बी की वैल्यू जीरो है। लेकिन यहाँ पे सीधे दिख रहा है कितना वोल्टेज है, जीरो वोल्टेज है, और उस जब जीरो वोल्टेज हुआ तो उस टाइम करंट कितनी फ्लो रही है, 4 मिली एम्पियर। क्लियर है? नॉर्मल सी केसीएल इक्वेशन है, ये पॉइंट तुम्हारा पहले ही आ चुका है, 8 वोल्ट है। तो वी TH डिवाइडेड बाई RTH इज नथिंग बट 4 मिली एम्पियर। तो ऐसे RTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 4 मिली एम्पियर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 किलो ओम। अभी क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब इस टर्मिनल्स के अक्रॉस, इस टर्मिनल के अक्रॉस मैं एक इंडक्टर कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, इस टर्मिनल के अक्रॉस मैं एक इंडक्टर कनेक्ट कर दूँ L, तो टाइम कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा। क्लियर है? तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू कितनी, देखिए क्वेश्चन में 6 मिली हेनरी। RTH की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 किलो ओम। तो टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, L अपॉन R इक्वलेंट, 6 डिवाइडेड बाय 2, ये मिली है, ये किलो है, तो यहाँ से 3 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन ऑप्शन ए बेसिकली। ठीक है, थैंक यू।